नमस्कार दोस्तों, जीके अर्जुन सर यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है। मिशन यूजीसी नेट एग्जाम 2019 इतिहास भाग 67 में जिसकी परीक्षा जून में होने जा रही है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना न भूलें, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। वीडियो शुरू करने का मेरा मेन उद्देश्य है आप लोगों को रिवाइज कराना, क्योंकि किताब तो बहुत पढ़े होंगे लेकिन ऑब्जेक्टिव रिवाइज करके आप अपने को आंक सकते हैं कि कितना क्वेश्चन हम सही कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर इसमें 1 देखिए। चैतन्य ने भक्ति आंदोलन में जो विशिष्टता जोड़ी वह थी, आप लोगों को आंसर बताना है, सोच कर रखे रहिए, वैसे मैं बता दूंगा। यानी चैतन्य ने भक्ति आंदोलन में जो विशिष्टता जोड़ी वह थी, क्या थी? ईश्वर के नाम पर प्रार्थना, कीर्तन, मूर्ति पूजा, स्त्री तथा पुरुष दोनों के अनुयायी स्वीकार करना। इसमें करेक्ट आंसर आ जाएगा बी, कीर्तन। क्वेश्चन नंबर 2, हुजूर साहब का गुरुद्वारा किसकी याद में बना था? तो ये किसकी याद में बना था? ऑप्शन दिया है गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक, गुरु रामदास, गुरु तेग बहादुर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, गुरु गोविंद सिंह। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में चिश्तिया सिलसिले की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी मोइनुद्दीन चिश्ती ने। क्वेश्चन नंबर 4, सूफी विचारधारा में तर्क के दुनिया का अर्थ है, तर्क के दुनिया का क्या अर्थ है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, विश्व का परित्याग। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस सूफी संत ने यौगिक क्रिया को अपनाया और सिद्ध कहलाया? तो वह था निजामुद्दीन औलिया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, जवाबित क्या थे? तो जवाबित क्या थे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्य के कानून। क्वेश्चन नंबर 8, जहांगीर की सर्वोच्च राजनैतिक सफलता 1914 में मेवाड़ से की उसकी शांति संधि थी, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त उसमें नहीं थी? नहीं पूछा है यहां पर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी चित्तौड़ के किले की मरम्मत की जाएगी, ये शर्त नहीं थी। इसके अलावा शर्त कौन कौन थी, यानी आंसर ये होगा नहीं पूछा इसमें तो। इसके बाद दूसरा देख लीजिए, राजकुमार करण ने 5000 जात सवार का मनसब जागीर के दरबार में प्राप्त किया था। इसके बाद राणा अमर सिंह द्वारा मुगलों को 1500 घोड़े प्रदान किए जाने थे। इसके अलावा दिया है चित्तौड़ सहित सभी क्षेत्र में राणा अमर सिंह को प्रदान किए जाएंगे। ये सब सही है, यही पाला वाला सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर निर्माण हेतु भूमि अनुदान में दी थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, अकबर ने। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन मुगल काल की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी? तो महिला प्रधानमंत्री थी माहम अनगा। क्वेश्चन नंबर 11, तुजू के बाबरी से संबंधित कथनों को पढ़ें और असत्य कथनों के कूट का पता करें, यानी गलत वाला कथन इसमें आपको छांटना है। तो चलिए देखते हैं तुजू के बाबरी के बारे में। इसका प्रथम फारसी अनुवाद अब्दुल कादिर बदायनी ने किया था, ये गलत है। दूसरा दिया इसमें, इसका प्रथम अंग्रेजी अनुवाद श्रीमती ए एस बेबरिज ने किया, ये भी गलत है। तीसरा देखें, इसका प्रथम फ्रांसीसी अनुवाद लीडेन और अर्सकीन ने किया, ये भी गलत है। तो इसमें असत्य पूछना है, असत्य बताना है, यानी तीनों गलत है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी 1, 2, 3 ये सब गलत है। क्वेश्चन नंबर 12, रजमनामा जिसका संकलन फारसी भाषा के अनेक विद्वानों ने किया, किसका अनुवाद था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, महाभारत का। क्वेश्चन नंबर 13, मुगल प्रशासन में वह मंत्री जो सेना का प्रधान था क्या कहलाता था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, मीर बख्शी।
क्वेश्चन नंबर 14, पगा क्या था? ऑप्शन है सैन्य बयान, गुरिल्ला युद्ध तकनीकी, मराठा किलों के आसपास का क्षेत्र और नियमित सेना। पगा क्या था? पगा जो है एक प्रकार का जो है नियमित सेना थी, शिवाजी के शासनकाल में थी पगा। क्वेश्चन नंबर 15, शिवाजी निम्न में से किस किले में पैदा हुए थे? किस किले में पैदा हुए थे ये? देखिए जावली, चंपानेर, जिंजी, सिवनेर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिवनेर, जो पूना में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से शिवाजी के विषय में, निम्नलिखित में से शिवाजी के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है पूछा है इसमें, तो चलिए देखते हैं। फारसी इतिहासकार खफी खान ने शिवाजी की धार्मिक नीति की प्रशंसा की, ये तो सही है। दूसरा देखिए, हिंदवी स्वराज की प्राप्ति के उद्देश्य से शिवाजी ने आगरा में सम्राट औरंगजेब से मिले थे, ये बिल्कुल गलत है। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसके अलावा जो है, शिवाजी ने अपने साम्राज्य को एक अस्थायी साम्राज्य छोड़ा, ये सही है। शिवाजी ने व्यापार में वाणिज्य की उपेक्षा की, ये भी सही है। यानी इसका आंसर हो जाएगा 16 का बी। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस मुगल सेनापति ने शिवाजी को पुरंदर की संधि 1665 पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, राजा जय सिंह। क्वेश्चन नंबर 18, अष्ट प्रधान समिति का विघटन किसने किया? ये विघटन किया था साहू ने। क्वेश्चन नंबर 19, वह अंग्रेज कौन था जिसे जहांगीर ने 400 जात का मनसब प्रदान किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, कैप्टन हॉकिंस को। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में यूरोपीय व्यापारियों के आगमन का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सही क्रम है आंसर होगा डी, सबसे पहले पुर्तगाली, उसके बाद अंग्रेज, फिर डच, फिर फ्रांसीसी। यानी डी सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय व्यापारिक शक्ति को 1717 ईस्वी में सीमा शुल्क मुक्ति की स्वीकृति प्राप्त हुई? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ब्रिटिश। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन न तो जौहरी और न ही शिल्पकार था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, मनुची। क्वेश्चन नंबर 23, पुर्तगालियों के विरुद्ध अंग्रेजों की सफलता में निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं था? कौन सा कारण नहीं था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी मुगलों एवं अंग्रेजों के पारस्परिक संबंध। क्वेश्चन नंबर 24, भारत के किस प्रदेश में डच लोगों ने अपने आरंभिक माल खाने स्थापित किए? तो सबसे पहले जो है डच लोगों ने गुजरात और बिहार में जो है अपने माल खाने स्थापित किए थे। क्वेश्चन नंबर 25, 18वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से कौन से तांबे एवं पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध थे? तो ये प्रसिद्ध थे, यानी आंसर सी, बनारस, पूना और नासिक। क्वेश्चन नंबर 26, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के विरुद्ध रॉबर्ट क्लाइव ने एक षड्यंत्र रचा, निम्नलिखित में से इस षड्यंत्र में भाग लिया था? कौन भाग लिया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, मीर जाफर तथा अमीन चंद ने। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य अंग्रेजों के दुधारू गाय था? तो भारतीय राज्य था अवध। क्वेश्चन नंबर 28, पूरब का साम्राज्य हमारे पैरों पर है, यह कथन संबंधित है? यह संबंधित है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, 1799 में हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया था। क्वेश्चन नंबर 29, सर जान शोर की नीति भारत में किस रूप में जानी जाती है? यह जानी जाती है अहस्तक्षेप की नीति।
क्वेश्चन नंबर 30 और अंतिम क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में निम्न में से किसका शासन काल न्यूनतम रहा? तो सबसे कम इस ऑप्शन के अनुसार जो शासन काल था वह था जहांदार शाह का। जहांदार शाह का सबसे कम उम्र का शासन था, मात्र 19 महीने रहा था ये। तो ये थे वीडियो आज के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो इसको लाइक करिए और कमेंट बताइए कि क्या कमी थी। अगर एकाध क्वेश्चन जो है गलत यानी मिस प्रिंट हो जाता है तो उसको आप लोग जो है खोज कर आंसर दे सकते हैं, ताकि कई लोगों के भला हो सके जो देखते हैं वीडियो। इसके अलावा और भी इतिहास से संबंधित अगर आप ऑडियो सुनना चाहते हैं तो खबरी चैनल पर जाकर सेम जीके अर्जुन सर के नाम से सर्च करें और वहां पर जो है तमाम आपको वीडियो सारे ऑडियो मिल जाएगी आपको। इतिहास की चैप्टर वाइज चल रहा है, इस समय वैदिक सभ्यता चल रहा है। चैप्टर वाइज वैदिक सभ्यता से कितने क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट सब उसमें जो है ऑडियो के माध्यम से अपलोड किए हैं। और खबरी चैनल आपके मोबाइल में होना चाहिए, इसको गूगल प्ले से आप डाउनलोड कर सकते हैं खबरी। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।